दोस्तों आज इस पृथ्वी पर पीफॉल यानी कि मोर की तीन प्रजातियां निवास करती है, जिसे इंडियन पीफॉल, ग्रीन पीफॉल और कॉन्गो पीफॉल कहा जाता है। इसमें से इंडियन पीफॉल और ग्रीन पीफॉल एशिया महादेश में पाए जाते हैं, वहीं कॉन्गो पीफॉल अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं। लेकिन इन सभी पीफॉल की प्रजातियों में इंडियन पीफॉल सबसे बड़ा होता है और यह वजन में 2.5 kg से लेकर 6 kg तक हो सकता है। इसके अलावा यह अपने पंखों के फैलाव के साथ 1 से 2 मीटर जितना लंबा हो सकता है। दोस्तों पीफॉल के इन सभी प्रजातियों के बीच के अंतर को स्पष्ट करना काफी आसान है। इंडियन पीफॉल का गर्दन नीले रंग का होता है और इसके फीदर नीले और हरे रंग के होते हैं। वहीं ग्रीन पीकॉक का गर्दन हरे रंग का होता है और इसके पंख हरे और सुनहरे रंग के होते हैं, जबकि कॉन्गो पीफॉल इन दोनों पीफॉल से छोटे होते हैं और इसके पंख भी इन दोनों की तुलना में छोटे होते हैं। चलिए अब हम इसके जीवन चक्र की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि पीफॉल की प्रजातियों में नर को पीकॉक कहा जाता है, वहीं मादा को पीहन कहा जाता है। दोस्तों इन दोनों के मिलन की प्रक्रिया की शुरुआत मादा के पसंद पर निर्भर करती है। दोस्तों आपको बता दें कि मादा यानी कि पीहन अपने साथी का चुनाव करती है। दोस्तों मादा के द्वारा अपने साथी का चुनाव करना विभिन्न चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि नर पीकॉक का आकार, उसका स्वास्थ्य, उसके पंखों का फैलाव। इसके अलावा नर पीकॉक दिखने में कितना सुंदर है, ताकि नर और मादा के इस मिलन के बाद मादा जिन बच्चों को जन्म दे वह बड़े होकर सुंदर, स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे। दोस्तों चुनाव के इस प्रक्रिया के दौरान नर यानी कि पीकॉक अपने पंखों को फैलाकर अपनी सुंदरता को दिखाते हैं और मादा को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, और फिर मादा की सहमति के बाद इन दोनों की मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है। और मिलन की यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मादा अंडे देने के लिए उचित स्थान का चुनाव करती है। सुरक्षित स्थान का चुनाव करने के बाद मादा अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर 3 से लेकर 12 अंडे दे सकती है। इनके अंडे उजले रंग के होते हैं और उन पर कुछ काले या गहरे रंग के धब्बे होते हैं, और यह वजन में अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर 60 ग्राम से लेकर 90 ग्राम तक हो सकते हैं। दोस्तों अंडे देने के बाद मादा 1 महीने तक इन अंडों को सेने का काम करती है, जिसके बाद इन अंडों को तोड़कर चिक्स बाहर निकलते हैं और अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं। दोस्तों जन्म लिए यह बच्चे अंडों से निकलने के कुछ घंटे के भीतर ही अपने पैर पर खड़े होने लगते हैं। इनके आँख भी पूरी तरह खुल चुके होते हैं और इनके शरीर पर हल्का हल्का फीदर भी मौजूद होता है। दोस्तों अन्य पक्षियों की तुलना में पीफॉल के बच्चों के मजबूत होने का कारण यह है कि पीफॉल अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताते हैं और शिकारियों से बचने या फिर खास मौकों पर ही उड़ान भरते हैं। वहीं वजन ज्यादा होने के कारण यह ज्यादा लंबे उड़ान भी नहीं भर सकते। वहीं दूसरा कारण यह है कि पीफॉल अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं। दोस्तों यही कारण है कि अपना ज्यादातर समय जमीन पर ही बिताने के कारण इनके पैर दूसरे पक्षियों की तुलना में काफी मजबूत होते हैं। दोस्तों जन्म लेने के बाद पीफॉल के बच्चे बीज, कीड़े मकोड़ों या फिर छोटे रेप्टाइल्स को अपने भोजन के रूप में खाते हैं और विकास की इस प्रक्रिया में लगे रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पीफॉल के बच्चों को पूरी तरह एडल्ट होने में 3 साल का समय लग जाता है, जिसके बाद यह सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि यह प्रजनन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वहीं मोर और मोरनी के फीदर का विकास साल दर साल ही होता है और 3 सालों के बाद इनके शरीर पर इनके चटक रंग और रंग बिरंगे फीदर पूरी तरह उग जाते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मोर के प्रजातियों में हर साल मेटिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इनके पंख नेचुरली झड़ जाते हैं, जिसे शेडिंग या मोल्टिंग भी कहा जाता है, और फिर इन पंखों की जगह नए रंग बिरंगे और खूबसूरत पंख निकलते हैं। दोस्तों बाजार में मिलने वाला मोर पंख भी मोर द्वारा उतारा गया ही पंख होता है, जिसे वेंडर के द्वारा कलेक्ट कर बाजार में बेच दिया जाता है। दोस्तों एक मोर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर यह जंगलों में 15 से लेकर 20 सालों तक जीवित रह सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इसे पालतू बनाकर पाला जाए तो यह 30 से 50 सालों तक भी जीवित रह सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।